पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्री शंकरानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। चित्रदीप प्रकरण के 207 नंबर श्लोक तक विचार हम लोगों ने किया। आवाज जा रही ना नारायण? अच्छा जा रही है। अच्छा चलो भाई, भाई प्रकरण तो ईश्वर का चल रहा है ना? तो देखो, अंतर्जामी से लेकर के जितने भी जड़ पदार्थ भी सब ईश्वरी है। निर्विशेष परब्रह्म में आपकी बुद्धि नहीं लग रही है तो उपासना करो। सर्वत्र परमात्मा की बुद्धि से उपासना करनी चाहिए। उपास्य परब्रह्म है, ठीक है ना? हाँ, इसलिए जो है ब्रह्मसूत्र में विचार आया है, जिसकी उपासना होती है वो उत्कृष्ट होता है ना? क्या होता है? हाँ, उत्कृष्ट बुद्धि से ही परमात्मा की बुद्धि की जाती है। प्रतीक कोई भी हो, उपास्य तो परमात्मा ही है। नहीं, चाहे पत्थर के महादेव बना लो, चाहे मिट्टी का बना लो, है कि नहीं? चाहे अष्ट धातु का बना लो, है तो महादेव उपास्य ही है। ठीक है भाई, 7 नंबर श्लोक हो गया। तो ऐसा 8 नंबर भी फल भी मिलता है भाई। जल पाषाणमित काष्ठ वास्या कुद्दालकादयः ईश्वरः सर्व एवैते पूजितः फलदायिनः। बोलो जी। ईश्वर कहते हैं, देख लो कहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ से प्रारंभ किया मालूम है? ईसा, ईश्वर से प्रारंभ कर दिया। स्वयं हिरण्यगर्भ विराट ये सब बता दिया सब, और अंत में क्या बोल रहे हैं? जल पाषाण, ये भी ईश्वर ही है। मृत्तिका हो, इसलिए उठते ही आप किसका स्पर्श करते हो? मृत्तिका स्पर्श करते ही ना उठते ही, किस दृष्टि से? देवी, हाँ भगवती, भगवती हमारे सनातन परंपरा में सबकी उपासना होती है, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? ये देखो आगे क्या कह दिया, काष्ठ
काष्ठ को भी स्पर्श करके छेदन किया जाता है। हाँ ये सब कर्मकांड में आया। हाँ जो पलाश वृक्ष का छेदन करते हो ना, काष्ठ का छेदन करते हो, वहाँ पर भी पहले उसकी पूजा होती है, उसके बाद छेदन होता है कि नहीं? और मान लो बास्य, बास्य बास्य क्या जानते हो? छीलते हैं ना लकड़ी को छीलने वाला, हाँ उसको कहते हैं बास्य, ठीक है ना। और कुदाला मतलब क्या है? मिट्टी की खुदाई होती है जिससे, उसको कुदाल, हिंदी में कुदाल बोल देते हैं उसको। संस्कृत शब्द है कुदालक, है ना? तो कुदालक हो कुदालक कहो एक ही है। आदि सौर ले लो और क्या, अस्त्र आदि सब, अस्त्र की पूजा तो होती है, क्षेत्रीय लोग तो करते हैं सब, और क्या है? बहुत विलक्षण सिद्धांत हमारे यहाँ। इसलिए कुछ लोग तो भले ही भगवान कृष्ण को नहीं मानेंगे लेकिन बांसुरी को मानेंगे, क्या बांसुरी को रख करके पूजा करते हैं, कोई त्रिशूल की पूजा करते हैं, केवल त्रिशूल रख देंगे पूजा कर लेंगे। दसरा का दिन पूरा है शास्त्र को पूजा, हाँ पूजा होती है ना। बोलते पूजा करेंगे तो फल मिलेगा, बोलते मिल जाएगा, क्यों? ईश्वरा सर्व एव एते, एते सर्वे ईश्वरा एव, ये सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ क्या है? ईश्वरी तो है। बोले फल मिलेगा, बोलतेंगे पूजिता, हाँ फल तो मिलता है, फलदायी ना ये सब फल देने वाले हैं। किसी को भी पूजा करो फल तो कौन देता है? परमात्मा ही देता है। फल मत उपपत्ते है ब्रह्मसूत्र में आया सूत्र, पूजा किसी की करो लेकिन फल तो कौन देता है? परमात्मा ही देता है, ठीक है। भले ही फल अलग अलग मिलता हो लेकिन परमात्मा ही फल देता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे कह रहे देखो, ते यथा यथो उपासते तदेव भवति, जो जिस जिस भाव से उपासना करेगा ना उसी भाव से वो फल को प्राप्त कर लेगा। ये अग्नि रहस्य उपनिषद है, ये कहाँ की है ये? हाँ अग्नि रहस्य उपनिषद है भाई, है ना, उसी की श्रुति है ये, ठीक है ना। हाँ जिस जिस भाव से लोग उपासना करते हैं वही स्वरूप को, वही फल को प्राप्त कर लेते हैं भाई, है कि नहीं? इसलिए तत्त पूजातः, हाँ तत्त फल सद्भाव, उसको क्या है? जिस भावना से पूजा करेगा उसी भावना से क्या है? तद अनुसार फल मिलेगा। और क्या, विश्वनाथ जी के पास जाते हैं, हैं सब लोग समान भाव से जाते हैं क्या? अरे महादेव को जो जल चढ़ाते हो सबका भाव समान है क्या? नहीं समान है। और क्या, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए करता है, कोई धन के लिए करता है क्या? हाँ कोई ऐसा कोई होता है चित्त की शुद्धि के लिए करता है, ऐसा कोई होता है कि ज्ञान के लिए करता है, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए आत्मज्ञान दे दो बस मुक्ति दे दो, और कोई नहीं है कि नहीं? तो वहाँ तो पंडित भी चढ़ाता है जल, है कि नहीं? वो किसके लिए चढ़ाता है? कौन सा बस दक्षिणा से मतलब है, है कि नहीं? बस चढ़ाता बहुत है वो भी, तो दक्षिणा मिलती है कि नहीं? दक्षिणा मिलती है, देने वाला सब, देने वाला तो विश्वनाथ जी है, लेकिन फल में जो भेद आ रहा है ये भाव में भेद है, भावना में भेद है, ऐसा में भेद है, नहीं ये होता है। ये प्रमाण दिखा रहा है, देख लो, यथा यथोपासते तम, यथा यथोपासते तम, तम तो जाएगा दो दो चार तीन, तम तो जाएगा, ठीक है। यथा यथोपासते तम, यथा यथोपासते तम, फलमेयुस्तथा तथा, फलमेयुस्तथा तथा, फलोत्कर्षापकर्षौ तु, फलोत्कर्षापकर्षौ तु, पूज्य पूजानुसारतः, पूज्य पूजानुसारतः, यथा यथोपासते तम, देखो भाई
यथा यथा उपासते है ना, क्या किया यथा यथा उपासते, कौन उपासक है, उपासक का अध्ययन कर लो, उपासति का कर्ता कौन उपासक है, उपासक अध्ययन अध्ययन करना चाहिए। यथा मतलब ये न प्रकार न, जिस जिस प्रकार से, जिस जिस भावना से, उद्देश्य से, ठीक है, उपासना करते हैं, तथा तथा फलम ई हो, फल प्राप्त कर लेते हैं, भावना के अनुसार फल मिलता है ना, है कि नहीं। तो ईयू कहाँ का रूप है भाई, फलम ईयू हो कहाँ का रूप है, ईयू हो कहाँ का रूप होगा, किस धातु का होगा, इणगतों का नहीं बनेगा, ईयू हो या धातु का बनेगा, हाँ या प्रापण से नहीं बनेगा, या बनेगा ना, लीट लकार बनेगा, यायतु ईयुहु ऐसा बनेगा, समझ में ना। हाँ, प्राप्त किए, जिस जिस भावना से परमात्मा की उपासना करते हैं उसी भावना के अनुसार तम फलम है ना, तम फलम कहने से उपासना का फल, उसी फल को हैं इष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त किए, पहले भी प्राप्त किए हैं मतलब अभी भी प्राप्त करोगे, समझ में कि नहीं। हाँ, शिष्य का भी जो गुरु का खोज होता है अपना हिसाब से ऐसा ही गुरु मिल रहा है। हाँ, बात एकदम पक्की की, एकदम सही बात बोली आपने, समझ में ना। हाँ, गुरु की प्राप्ति भी आपके अनुसार प्राप्त होती है। हाँ, बात सही है, ऑनलाइन वाले सुन रहे हो ना भाई, गुरु भी आपके अनुसार प्राप्त होंगे, आपके जैसी योग्यता होगी ना, गुरु भी आपको उसी प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए है ना, इसलिए जो है वो सदगुरु ढूंढना है तो आपको क्या कर लो, आप पात्र बना लो, बस क्या बना लो, पात्र बना लो। लेकिन इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप खोजने के चक्र में ना रहो, कौन सदगुरु है कौन सदगुरु नहीं है। लोग बोलते ना आपने सदगुरु बना दिया, हाँ मैंने बहुत ढूंढा। हमारे यहाँ एक शादी का है यहाँ पर हरिद्वार में, वो भी ऐसा सोचती है, अरे तुम कैसे कैसे खोजोगे, कैसे पहचानोगे तुम। हाँ, एक स्वामी जी बता रहे थे, तो एक राजा जो है ना, राजा उनके मन में इच्छा भी गुरु बनाना चाहिए, क्या है, हाँ गुरु भी विद्वान होना चाहिए, इसलिए जो है गुरु बनाना है, उनसे आत्मज्ञान लेना है ना, गुरु के बिना तो आत्मज्ञान नहीं होगा, ये तो पक्का है उनको, इतना ज्ञान तो है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय ब्राह्मणिष्ठ ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए ना, इसलिए ज्ञानी तो वही है जो शास्त्रार्थ में कभी ना हारे, वही तो ज्ञानी होगा ना। और क्या, उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, क्या बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, शास्त्रार्थ हुआ, हाँ जो शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर दे वही तो ज्ञानी है, वही तो गुरु होगा मेरा, इसलिए गुरु मेरा वही होना चाहिए सबसे बड़ा ज्ञानी हो, उसी से मुझे आत्मज्ञान लेना चाहिए, है कि नहीं। तो भाई जो है शास्त्रार्थ कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं भाई, समझ में ना, तो हार ही जा रहा है, कोई ना कोई क्या हार जाता है, सबको ज्ञान तो है ही नहीं, तो परेशान हो गया राजा, हैं तो बड़ा विद्वान तो हमको नहीं मिल रहा है तो कैसे करेंगे फिर, समझ में ना, जो हार गया बोले ये गुरु नहीं हो सकता है कि नहीं। इस प्रकार जो इतना समय बीतता गया बीतता गया, सब परेशान हो गए, हैं विद्वान लोग भी परेशान हो गए, ठीक है ना। तो फिर जो है किसी महापुरुष का पता हुआ, हाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं महापुरुष हैं, लोग परेशान हो गए, हम सबको परेशान कर रहा है राजा, शास्त्रार्थ करवा रहा है कि नहीं, तो पंडित लोग भी परेशान हो गए। फिर जो है अच्छा ऐसी बात है, चलो मेरे साथ चलो। तो फिर जो है वो
महापुरुष आए, महात्मा जी थे, तो बोले ये हमारे गुरु बनेंगे। हाँ, तो पंडित लोग बोले हाँ हाँ ये बड़े ज्ञानी है, यही आपके गुरु है। तो पंडित लोग कहे लेकिन परीक्षा तो होनी चाहिए ना, परीक्षा होनी चाहिए इसमें कि इसको ज्ञान है कि नहीं है। तो बोला हाँ हाँ परीक्षा कर लो। महात्मा ने कहा देखो भाई ये सब राजवाल में थोड़ी ज्ञान की विचार ज्ञान का ज्ञान की चर्चा होती है कि नहीं, जंगल में चलते हैं है कि नहीं, जंगल में चलते हैं फिर जो है वहाँ पर बढ़िया से बैठ करके सब विचार हो जाएगा है कि नहीं, ज्ञान की परीक्षा ले लेना फिर तुम। तो फिर जो ठीक है हाँ, तो उस पार जो है गंगा जी है, नदी कोई थी, नदी के उस पार जंगल है, तो नदी के उस पार जाना है कि नहीं, नदी के उस पार जाना है और नाव बुलाए, नाव 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 बुलाए, तो नाव बुलाए तो वो महापुरुष मना कर दिए, अरे ऐसे नाव में नहीं जाएंगे, समझ में ना, तो नाव डूब जाएगा तो अरे तुम रहोगे तब ना आत्मज्ञान लोगे। तो फिर ये और दूसरी नाव ले आए, नहीं नहीं ये नाव भी ठीक नहीं है, ये चलाने वाला कैसा है, ये इसकी क्या भरोसा है, ये चलाता है कैसे चलाता है इसका हम भरोसा थोड़ी है, एक डूब जाएगा इतने पानी इतना पानी है, और राजा परेशान हो गया। तो राजा ने कहा कि महाराज नाव कैसे भी हो हमको तो उस पार जाना है ना, क्या हमको जाना है क्या उस पार जाना है बस। हाँ तारी यही तो मैं बात कह रहा हूँ। अरे तुम यार क्या, जहाँ पर तुम्हारी श्रद्धा हो जाए, जैसे जिस नाव पर तुम्हारी श्रद्धा है, इसी प्रकार जो चलाने वाला जो है नाविक है उसके जिस नाविक के पर तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं, उसी नाव में बैठ जाओ और क्या है कि नहीं। तो ढूंढने के चक्कर में क्यों रहते हो, खोजने के चक्कर में क्यों रहते हो। इसी प्रकार से जिन महापुरुष के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो जाए है कि नहीं, उसी से तुम आत्मा ज्ञान प्राप्त। बड़ा सुंदर कहा कि नहीं कहा, क्या हो गया, प्रैक्टिकल समझा, प्रैक्टिकल समझाना पड़ता है ना, है कि नहीं समझ में। इसलिए देखो ऐसा है, कितना भी प्रयत्न कर ले है कि नहीं, तो कितने भी बुद्धि सूक्ष्म हो साधक की दरम्यान, ज्ञानी के स्वरूप को तो नहीं पहचान सकता। ज्ञानी तो अथाह समुद्र की तरह होता है, ज्ञानी जिस स्वरूप में रहता है वो स्वरूप कैसा है, निष्क्रिय स्वरूप है, शरीर से विलक्षण स्वरूप है, वो भले ही व्यवहार करता है लेकिन शरीर में तो रहता नहीं ज्ञानी, और हमको क्या दिखाई देगा बताओ, कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये तो देखोगे और क्या देखोगे बताओ, है कि नहीं। तो इससे पहचान है क्या ज्ञानी की, निस्त्रे गुण पुथि विचेरता को विधि को निषेध, बताओ कैसे पहचान होगा। इसलिए जहाँ पर श्रद्धा हो जा रही है बस उसी से आपका कल्याण होगा। हाँ परमात्मा के शरणापन्न हो जाओ, परमात्मा बस 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 वही मिलाते हैं, वही उपाय, और कोई उपाय नहीं। आप परमात्मा में शरणापन्न हो गए वही आपका कल्याण करेंगे, वही गुरु जो देंगे आपको, वही सदगुरु की प्राप्ति कराएंगे, और कोई उपाय नहीं नारायण, उपाय और कोई नहीं है। ठीक है चलो, इसलिए तो उपासना तो चाहिए चाहिए, क्या चाहिए, उपासना तो चाहिए। चलो भैया अच्छा हाँ ये देखो श्लोक 9 नंबर, यथा यथा उपासते तम फलम यूस तथा तथा, केवल अनित्य फल की बात नहीं है, नित्य फल भी ऐसा ही है। ठीक है हाँ, आपको मोक्ष की इच्छा है तो आपको मोक्ष मिल जाएगा है कि नहीं, फल उत्कर्ष अपकर्ष हो तो, लेकिन देखो फल में जो उत्कर्ष अपकर्ष आ रहा है कि नहीं, किसी को उत्कर्ष फल मिल रहा है किसी को अपकर्ष फल मिल रहा है नहीं, इसका है तो क्या, पूज्य पूजा अनुसारतः, थोड़ा एक पॉइंट कम करेंगे पंखा,
आवाज ज्यादा हो रही है। बोलते हैं कि पूज्य और पूजा के अनुसार, पूज्य जो उपास्य है ना, उपास्य उसके अनुसार और आपकी जो पूजा है सामर्थ्य है कि नहीं, उसके भेद से आपको फल मिलता है। सुनते हो? इसलिए उपासना भी किसकी करनी है, मनमानी उपासना नहीं की जाती है, शास्त्रीय उपासना होती है। क्या होती है? शास्त्रीय। भावना के अनुसार फल तो मिलेगा, लेकिन वो भी शास्त्रीय होना चाहिए। उपासना भी क्या होनी चाहिए? शास्त्रीय होनी चाहिए। पकड़ में आया? हाँ। नहीं तो जो है गौ की जो पूजा करोगे जो फल मिलेगा, तो कुत्ते की पूजा करके तो फल मिलेगा? स्वामी, जो मुसलमान लोग वो भी भगवान को मानकर दूसरों को काटते हैं, उनका तो क्या फल होगा स्वामी? क्या जी? मुसलमान लोग वो अल्लाह को ऐसा मानकर दूसरों को जान ले लेते हैं, वो तो शास्त्री भी नहीं है। नहीं, नहीं मिलेगा फल उनको। नरक, नरक में? नरक में मिलेगा, बिल्कुल नरक में जाएगा। क्या? हाँ, अशास्त्रीय यदि है तो नरक में जाएगा। हाँ, मान लो ये कि हाँ बोलो, ईश्वर शब्द से तो नहीं कहते, अल्लाह शब्द से कहते हैं, है कि नहीं? भाई किसी का परोपकार का परोपकार करना है, किसी की सेवा करना है तो कर रहे हैं, मुसलमान लोग भी करते हैं, तो फल नहीं मिलेगा उसको? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन किसी का गला काट रहे हैं तो थोड़ी मिलेगा उससे, है कि नहीं? किसी भी धर्म का हो, यदि शास्त्रीय हो गया, वेद सम्मत है, तो फल मिलेगा, इसी लोगों को ही फल मिलेगा, है कि नहीं? तो वेद को तो नहीं मानते हैं, परमात्मा को तो मानते नहीं है, बोले वेद प्रतिपाद्य परमात्मा को तो मानते नहीं, लेकिन किसी की सेवा करते हैं वो तो फल मिलेगा, लेकिन धर्मांतरण करते हैं तो थोड़ी फल मिलेगा, भ्रांति भ्रांति में डाल देते हैं, है कि नहीं? बोले नकली दवाई देंगे, नकली दवाई देंगे ना, है कि नहीं? जो रोग नहीं जाएगा, बोले ऐसे करते हैं ना, हाँ दो चार बार नकली दवाई दे देंगे तो रोग तो और बढ़ेगा, वो उल्टा उल्टा और बुखार हो जाएगा, फिर लास्ट में असली दवाई देंगे, देखो अब हाँ ईसा ईसा का नाम लो, अरे दवाई ले लो, है कि नहीं? वो रोग चला जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, तब देखो आदिवासी लोग होते हैं, देखो कितना प्रभाव है हमारे ईशु का, उसका नाम लेते ही तो वो रोग चला गया, है कि नहीं? तो लोग जो सेवा कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? वो सेवा है वो तो फंसाने के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो? फंसाने। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं कहा जाएगा, ठीक है? वास्तविक यदि परोपकार की दृष्टि से करते हैं तो फल तो मिलेगा, किसी भी धर्म का हो, ऐसे में चलो भैया। ननो सर्वेशम ईश्वरत्व टीका भे, नौ नंबर, सबको यदि ईश्वर है कि नहीं? ननो सर्वेशम ईश्वरत्व फल वैषम्यम को, तो भाई फल में विषमता कैसे हो गई भी, फल में विषमता कैसे हो गई? देखो क्या लिखते हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, पूज्यानाम अधिष्ठानानाम, हैं पूज्य जो अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब उपास्य, अधिष्ठान का अर्थ यहाँ पर क्या? उपास्य है ना, तो उपास्य जो है उसमें उपाधि का भेद है कि नहीं? कोई विष्णु की उपासना करता है, कोई शिव जी की उपासना करता है, कोई भूत प्रेत की भी तो करता है, तो भेद तो स्वरूप में तो कोई भेद नहीं है, तो उपाधि के भेद से उपास्य में भेद है, उपास्य में क्या आ गया? भेद आ गया, है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं पूज्यानाम अधिष्ठानानाम, है ना, उपाधि का जो पूज्य है, अधिष्ठान है, उपास्य, उसमें भी भेद है, और क्या है, पूजा नाम अर्चादि नाम, है अर्चनादि में भी भेद है कि नहीं? और क्या, कोई गंगा जी जल से अभिषेक करता है, और भूत प्रेत का अभिषेक किससे? दारू से करता है वो, अरे दारू से करता है कि नहीं अभिषेक? कोई दारू चढ़ाते हैं वो, है कि नहीं? और क्या, सात्विक आदि भेद है ना, ये क्या भेद हो गया? सात्विक, राजस और तामस, तीन भेद ले लो, और क्या, सात्विक उपासना, राजस उपासना और तामस उपासना, है कि नहीं? तो सात्विक आदि भेद से
वैषम्यम, फल में क्या आ गया, विषमता आ गई, सबको समान फल नहीं मिलता है नारायण, हो गया ना। अच्छा, लेकिन कुछ भी उपासना कर लो है, मोक्ष तो ज्ञान से ही होगा नारायण, मोक्ष तो ज्ञान से। देखो लिखे आगे, सांसारिक फल सिद्धिर एवं भवतु। सांसारिक फल, सांसारिक फल कहाँ पर है, सांसारिक फल कहाँ तक है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सांसारिक फल है, ये विनाशी है ये। लेकिन आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन, वहाँ पर भी ज्ञान नहीं हुआ तो वहाँ पर भी लौटना पड़ता वहाँ से, ये सब संसार ही है। सांसारिक फल सिद्धि एवं, एवं कहने से उपासना से हो जाए मुक्ति, कस्य उपासना भवती। भाई ये बताओ, मुक्ति किसकी उपासना करने पर होगी, बाकी सांसारिक फल की सिद्धि तो हो जाएगी उपासना से, मुक्ति किसकी उपासना करनी है, शंका होगी ना, हमको तो मुक्ति चाहिए। ऐसी भी जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा कब होती मालूम है, जो कभी निष्काम भाव से उपासना की हो ना, निष्काम कर्म हुआ हो, चित्त शुद्ध हुआ हो, तब जाकर जिज्ञासा होगी ना, है कि तब जाकर मोक्ष होती है, मोक्ष नहीं तो नहीं हो सकती, ठीक है। बड़ा सुंदर कह रहे हैं भाई, क्योंकि अनित्य फल मिलेगा, कर्म है उपासना है उसका फल क्या कह दिया, अनित्य फल। लेकिन जो अनित्य फल है उसके क्या फायदा बताओ, न मिलना अच्छा है, अनित्य फल मिल करके जब आगे नष्ट हो जाएगा तो भयंकर दुख होगा, नहीं। अरे भाई, आपने खून पसीना एक करके बोलते ना व्यवहार में, हमने खून पसीना एक करके पैसा कमाया, 10 लाख रुपया कमाया, आ चोर आकर ले लिया, हैं, एक झटके में ले लिया, तब भयंकर दुख होगा कि नहीं होगा, महान दुख होता है। अनित्य फल मिलने पर, मिल करके जब नष्ट हो जाए तो महान दुख होता है कि नहीं। और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्या है, नहीं मिला तो ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन मिल करके दी चला गया तो है उसको क्या होता है, महान दुख होता है, होता है नहीं होता है ना। भोगे रोग भयम क्या है, बोलो, आज बोल रहे थे ना, हाँ बोलिए, भोगे रोग भयम कुले चूति भयम कर वित्ते नृपालाद भयम, कि नहीं, वित्ते, हाँ बोले, वित्त बहुत आ गया तो फिर राजा से डर लगता है, आजकल किससे, इनकम टैक्स से डर लगेगा, नोटबंदी हो जाएगी नहीं तो। वित्ते नृपालाद भयम, और आगे, हाँ बोले रिपु बलम, बल हो गया तो शत्रु से डर लगता है, वहाँ उसका बल ज्यादा तो नहीं है, है कि नहीं, है ना, बोले रिपु बलम, और माने हाँ दैन्य बलम, समझ में है ना, हाँ फिर आगे, रूपे जराया भयम, हाँ रूपे जराया भयम, आप बहुत सुंदर है तो वृद्धावस्था ना आ जावे, हाँ बाल जो पक ना जावे, है कि नहीं, फिर शास्त्रे वाद भयम, शास्त्रे वाद भयम, मतलब क्या, आपने पढ़ लिया तो मैं कोई बड़ा विद्वान ना आ जावे, मेरे से बड़ा विद्वान, समझ में, ये सब होता है, ठीक है ना। और अंतिम में क्या कह दिया, हाँ अंतिम में कह दिया कि वैराग्यम एव अभयम, बस सारा संसार से वैराग्य हो गया तो फिर आत्मज्ञान के लिए विलंब नहीं होता है, ये कहने का मतलब, आत्मज्ञान से अभय की प्राप्ति होगी। वैराग्यम एव अभयम का मतलब ये है कि वैराग्य हो जाने पर अभय की जो प्राप्ति होती है ज्ञान से, ज्ञान होने में कोई विलंब नहीं होता है, फिर वैराग्य को यहाँ पर स्तुति की नहीं। चलो भैया, तो चित्त शुद्ध होने पर होती है फिर मुमुक्षा, वैराग्य पूर्व मुमुक्षा। मुक्ति कस्य उपासना भवती, ये पूछ रहे हैं जिज्ञासु, उत्तर दे रहे हैं देखो आचार्य, ज्ञान व्यतिरेकण केनापि न भवती, ज्ञान के बिना तो किसी भी साधन से मुक्ति तो नहीं हो सकती,
है ना। इसलिए ज्ञान व्यतीर्ण, ज्ञान के बिना केनापि मतलब किसी भी साधन से है ना मुक्ति तो नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर कह रहे, मुक्तिस्तो ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्रबोधं विना नैव स्वप्नो हीयते यथा। स्वप्नो हीयते यथा। देखो कहते हैं ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानाद एव मुक्ति ही। तू कहने से क्या होगा, विलक्षण। तो मुक्तिस्तु कहा ना, तो विलक्षण ने का वाचक, वो संसार रूपी जो फल है वो तो उपासना से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो अनित्य फल है सांसारिक फल वो तो कर्म से उपासना से अष्टांग योग आदि इत्यादि से फल तो प्राप्त हो जाएगा नारायण। लेकिन तू परंतु मुक्ति यदि चाहते हो तब तो किससे होगी मुक्ति, बोले ज्ञान ब्रह्म तत्व से ज्ञान। ज्ञानात कहने से किसका ज्ञान, देखो षष्ट्यंत ब्रह्म तत्व से, ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप, तत्व का अर्थ स्वरूप, तत्त्वम ब्रह्मणि यथार्थ है, ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है उसके ज्ञान से, कौन सा ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, कौन सा ज्ञान, हाँ दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। और एव कहने से क्या हुआ, एव कहने से विकल्प नहीं, क्या समझ। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे भाई मुक्ति तो किसी भी से भी हो सकती है, ऐसे लोग समझाने वाले ना बहुत सारे है ना, बहुत सारे दृष्टांत भी देते हैं। अरे भाई आपको पहुंचना है उधर, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, हाँ 99% यही बोलते हैं। अरे चाहे कर्म से कर लो, चाहे कर्म कर लो चाहे उपासना कर लो, ज्ञान जैसे मुक्ति का साधन है, कर्म भी मुक्ति का साधन है, उपासना भी मुक्ति का साधन है। कोई लोग बोलते हैं कि जो है वो सुदर्शन क्रिया करो क्या क्रिया करो, सुदर्शन क्रिया करो मुक्ति हो जाएगी। कोई बोले और कोई प्राणायाम करो मुक्ति हो जाएगी, है कि नहीं, तो वैकल्पिक हो गया कि नहीं। क्या परमात्मा तक पहुंचने के लिए ऐसे वैकल्पिक साधन, किसी भी कोई भी साधन को प्राप्त कर लो ढूंढ लो, ऐसे भी कहने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य का कहना है कि ज्ञानात एव, बाकी जितने हैं वो साधन है, मना नहीं है, परंतु किसके लिए है, चित्त की शुद्धि के लिए, ज्ञान की योग्यता के लिए, हाँ परंपरा, ये तो मान सकते हो। ज्ञान की उत्पत्ति चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान की योग्यता आएगी, ब्रह्मसूत्र में विचार आएगा है ना, सर्वापेक्षा च जज्ञादि सूते रस्वत, ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं सबकी अपेक्षा होती है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए क्या सबकी अपेक्षा तो होती है, हम मना नहीं कर रहे हैं, अष्टांग योग की भी अपेक्षा है, प्राणायाम की भी अपेक्षा है कि नहीं, सब अपेक्षा है। किसके लिए, चित्त की शुद्धि करते हुए एकाग्र करते हुए ज्ञान की योग्यता आ जाए, है कि नहीं। कई बहुत जगह आचार्य यही कहते हैं, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनांच प्रभावित पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये देखो वेदांत का विचार करने के लिए जो साधन चतुष्ट संपत्ति चाहिए वो किससे होता है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र से जो आपको प्राप्त हुआ है, गुरु से आपको जो प्राप्त हुआ है उसको करो आप। उसे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न होते, मनमानी करने से नहीं होगा, नहीं नहीं हमको तो यही अच्छा लगता है कि नहीं, हमको वेद पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं। शूद्र है वो तो बोलेगा नहीं मैं वेद पढ़ूंगा, क्यों, बुद्धि है मेरी, जने वो धारण कर लूँगा पढ़ लूँगा। काशी में बवाल हुआ था ना काशी में, अभी पिछले 1-2 साल पहले,
वेद विभाग में नियुक्ति होगी, बड़ा इतना बड़ा बीएचयू है। बीएचयू की कहानी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने जो बनाया था, अपने गुरु जी बताते थे, इतना परिश्रम करके उसने बनाया था बीएचयू को, जिसने बनाया मदन मोहन मालवीय, समझ में ना। और कैसे नियुक्ति करते थे गुरु जी बताते रहे। पहले गांव में पंडित लोग पढ़ाते थे ना, गांव में पंडित लोग, गांव में, समझ में ना। और वहां पर ये जाते थे कौन, मालवीय जी, बीएचयू बनने के बाद नियुक्ति करनी है, लेकिन कैसे विद्वान को, विद्वान को नियुक्ति होनी चाहिए, वो खुद जाते थे कौन, मालवीय जी, जा करके जो विद्वान लोग पढ़ाते थे ना गाँव में, आए पहले ज़माने में पंडित लोग पढ़ाते थे गाँव में, गाँव में पढ़ाते थे, जाकर चुपचाप बैठते थे कौन, मालवीय जी, भेष बदल करके, मालवीय जी भेष बदल करके पीछे बैठते थे, आगे नहीं। और कैसे पढ़ा रहे हैं, कल विद्वान नहीं, वास्तविक आचरण है कि नहीं, सूत्रीय है कि नहीं, शास्त्रीय भोले से पढ़ाते तो है लेकिन आचरण नहीं होता है, वास्तविक आचरण है कि नहीं, वास्तविक पंडित, जब प्रसन्न हो जाते थे हाँ यही अधिकारी है, यही आचार्य है, फिर अपना परिचय देते थे मालवीय जी। और ये नहीं बोलते थे विश्वनाथ जी आपको बुला रहे, क्या बोलते थे, हाँ, कोई जिसको बोलते कोई मना नहीं करता था विद्वान, समझ में ना। और लिखा है वहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको बीएचयू में है ना, वो लिखा है कि मालवीय का परिवार का कोई भी यहाँ पर तनख्वाह लेकर नहीं कर सकता, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। कितना बड़ा बलिदान उसने दिया, इसको कहते हैं त्याग। हाँ, ऐसे बीएचयू में बड़ी दुर्दशा हो गई। हाँ, वेद विभाग में शूद्र की नियुक्ति नहीं, मुसलमान की नियुक्ति हो गई, किसके, मुसलमान, मुसलमान, हाँ, तो मुसलमान नियुक्ति हो गई तो बहुत बवाल हो गया था 2 साल पहले। अब वो सरकारी हो गया, हाँ, गवर्नमेंट ले लिया, फिर जो है विद्यार्थी लोग बोले हम नहीं पढ़ेंगे, उनसे हम नहीं पढ़ेंगे, जाना ही बंद कर दिया, फिर उसको फिर हटाना पड़ा, फिर बताइए दुर्दशा है ना। तो ऐसा है ना, अच्छा वार्तिक है, अतएव उक्तम वार्तिक कार्य, इसलिए वार्तिककार कौन है भाई, सुरेश्वराचार्य, वो सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं, भावनाजम फलम यस्यात् यच्च स्यात् कर्मणः फलम न तत्। आगे क्या लिखे, एक मिनट, स्था न तत्स्थायी वती विज्ञेयम्, क्या लिखे, न तत्स्थास्यति, थास्यति, स्थास्यति, आए न तत् क्या पाठ है अभी, थास्नो इति, हाँ ठीक है, थास्नो इति भी हो जाएगा, न तत्स्थास्नो इति विज्ञेयम् पण्यस्त्री संगतम यथा। ए देखो भैया, भावना है उपासना, भावना से भावना रूपी उपासना से होने वाला जो फल है भाई, अथवा कर्म से होने वाला जो फल है, वो स्थायी नहीं है, क्या नहीं है, नित्य नहीं है, न तत् स्थास्नु इति, उको क्या हो जाएगा, ओकार हो जाएगा ना, स्थास्नु का अर्थ क्या है, नित्य, हमेशा रहे, न तत्स्थास्नु इति कहने से स्थायी नहीं है, कर्म और उपासना का फल नित्य नहीं है। दृष्टांत दे दिया अभी देखो, है यथा पण्य स्त्री संगतम, अरे भाई किस स्त्री के साथ आपकी संगति हमेशा होगी, जो विवाहिता स्त्री है ना उसके साथ आपकी संगति रहेगी, लेकिन पण्य स्त्री, अरे बाजार वाली स्त्री, बड़ा सुंदर बोलेगी, वो किस लिए, वो व्यापार चलाना है,
है कि नहीं, खरीदारी करनी है, जो है सामान बेचना है। जैसे पुण्य का जो स्त्री है, पुण्य स्त्री मतलब बेचने वाली, मैंने व्यापार करने वाली जो है ना, हाँ दुकान वाली मतलब, लेकिन पुण्य स्त्री का संगत जैसे क्या कुछ समय के लिए होता है, नित्य तो नहीं होता ना, हमेशा नहीं होता है। भारती का ऐसा दृष्टान दे रहे। इसी प्रकार से कहने का अभिप्राय हुआ है कर्म और उपासना का फल क्या नहीं है, नहीं है नित्य, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। इसलिए हाँ उनका दृष्टांत बड़ा सुंदर होता है, आगे के विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण।